रिकॉर्डिंग ओके ओके सर म्यूट कर दीजिए सबको। ओके ओके हेलो यस सर आई म्यूट ऑल ऑफ यू। ओके सर okay and question number 4 ABCD is a quadrilateral. Now first we draw a quadrilateral ABCD. And these are the diagonals of the quadrilateral. Now you have proved given ABC CD is a quadrilateral and you have proved AB plus BC plus CD plus AD or ADA, both are same thing, greater than AC plus BD. AC plus BD. Now, first we take this triangle. हम इसमें ट्राइंगल लेते हैं। देखिए हमें डायगनल से ये ग्रेटर बताना है। दीज आर द डायगनल। सो फर्स्ट वी टेक दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ट्राइंगल ए डी सी बिकॉज दिस बोथ द डायगनल इन बोथ द ट्राइंगल्स। नाउ प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी A, B, C, we have AB plus BC, AB plus BC is greater than AC. Property of the triangle, the sum of the two sides always greater than the third side. Therefore, this is my first equation. Now, again, in triangle, ADC, we have, then again, AD plus CD is greater than AC. This is my equation number second. Then again, the property of the triangle. The sum of the two sides always greater than the third side. Now we take this triangle. अब हमने ये triangle तो ले लिया है, दोनों triangle का। अब इस diagonal को लेंगे BD diagonal से। तो BD diagonal से जो triangle बन रहा है ABD and BCD, these are the two triangles and the diagonals are BD. So now again in triangle ABD. We have now AB plus AD, AB plus AD is greater than BD, is greater than BD, and this is my third equation. Similarly, in triangle BCD. BCD, we have now AB, BC plus CD, BC plus CD is greater than BD. This is my fourth equation. Now, this is my fourth equation. देखिए,
हमने बीडी डायगनल लेके एक ये ट्राइंगल बन रहा था, देखिए बीडी डायगनल से ये देखिए दोनों ट्राइंगल बन रहा था, और पहले हमने एसी एडी डायगनल लेके बनाए थे दो। ओके नाउ नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एडिंग वी राइट हियर एडिंग एडिंग इक्वेशन आर यू राइट हियर फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वी गेट हमें क्या मिलेगा तो हम सबको ऐड करते हैं नाउ कम ए बी प्लस बी सी सारे लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगे प्लस ए डी प्लस सी डी प्लस ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस प्लस सी डी इज ग्रेटर देन ऑल आर दिस साइड इज ग्रेटर राइट द सिंबल इज ग्रेटर देन नाउ ए सी प्लस ए सी ए सी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस बी डी बी डी प्लस बी डी ओके नाउ वी एड ए बी एंड ए बी कम्स टू टाइम्स वी राइट टू ए बी टू ए बी प्लस बी सी ऑल्सो बी सी एंड बी सी इट ऑल्सो टू टाइम्स वी राइट टू बी सी प्लस सी डी ऑल्सो कम्स टू टाइम्स वी राइट टू सी डी प्लस ए डी इज ऑल्सो कम्स टू टाइम्स टू ए डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस ए सी इज कम्स टू ए सी एंड बी डी प्लस बी डी वी राइट टू बी डी ओके ओके हेलो हेलो यस सर यहाँ तक यस सर यस सर प्लीज सर बता दीजिए प्रॉब्लम हमने प्रॉपर्टी लगा दी ट्रायंगल की पहले हमने एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए तो इससे भी दो ट्रायंगल बन रहे थे एक ये ट्रायंगल बन रहा था एक ये तो सम ऑफ सर एक बार साइड हो जाइए हम लोग को स्क्रीनशॉट लेना लिख लिए यहाँ तक फिर मैं चल रहा हूँ आगे इसको मुझे थोड़ा सा मिटाना है दिस पार्ट को ओके नाउ दिस टू कॉमन टेक कॉमन इन ऑल द टर्म्स टू आर सेम इन ऑल द बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी टेक कॉमन टू टू कॉमन ले जा तो बचा गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज ग्रेटर ए डी ग्रेटर देन एंड टू टेक कॉमन इन बोथ द टर्म्स टू ए सी प्लस बी डी यहाँ तक देखिए एंड दिस टू वी कैंसिल टू ईच अदर ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा इक्वल के बोथ साइड अरे ग्रेटर और इक्वल के साइड बोथ साइड है डिफरेंट साइड है कैंसिल टू ईच अदर देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन AC BD and this is my hence proof. यही हमें प्रूफ करना था प्रूफ करना था ये देखिए ये प्रूफ करना था यार लास्ट में लिख रहा हूँ एच एन सी हो गया हमारा हेंस प्रूफ ओके तो डिलीट करवा दे एनी प्रॉब्लम हेलो ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क सब लोगों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है नो सर जो क्यों नहीं किए यस सर अपने पेरेंट्स को बुलाओ जरा
हेलो स्टूडेंट्स हैं आपके? यस सर। क्यों नहीं आप अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हो? मिला था। Why sir, you have not completed copy भर गई है सर, बिल्डर रुक गए हैं सर, कॉपी भर गई है तो ले लीजिए दूसरी कॉपी, मार्केट सर बाहर से ले सकते हैं सर, बाहर से ले सकते हैं मार्केट से। अरे तो और क्या, बाहर ही जाना लेना है। यस क्वेश्चन नंबर 6 तो हमने दिया था, सब लोगों ने कर लिया होगा, कोई दिक्कत है? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोथ आर द सिमिलर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ऑलरेडी यू डन इट, मैंने बताया भी था, इसका हिंट भी दिया था। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। एनी डाउट? चले आगे आज, अब आगे चले। यस सर। ओके, नाउ टुडे वी स्टार्ट पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी, राइट एंगल ट्रायंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सर प्लीज म्यूट एवरीवन, योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस म्यूट एवरीवन। Now think and discuss and write. Page number 127. Now look at, think, discuss and write. Is the sum of two angles of the triangle is always greater than the third angle? It is also the sum of the two angles. The sum of the two angles. The sum of the two angles is always greater than the third angle. Third angle. Can you say it is correct or not? इधर देखिए, लेट सपोज हमने एक 130 डिग्री का एक ट्राइंगल बनाया, ये देखिए, लेट सपोज दिस एंगल भी 130, तो व्हाट दीज आर एक्यूट एंगल्स, बट बोथ द सम ऑफ द एंगल्स इज 50 डिग्री, ये 50-50, लेट सपोज ये 25 है, 25 है, तो इन दोनों का सम तो इससे ग्रेटर नहीं हुआ। तब ये कोई जरूरी नहीं है कि एंगल्स का सम, द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड एंगल, ये कोई जरूरी नहीं है। अगर इसको लेते तब तो हो जाता, लेकिन इन दोनों को लेने पर ये इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो एंगल्स में ये प्रॉपर्टी कोई डिस्कस नहीं है इसका। नाउ कम्स टू द पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल, रख दीजिए, बिस्कुट निकाल लीजिए, तो बस छोड़ दीजिए। Now, right angle triangles and Pythagoras property. Right angle and Pythagoras property. Pythagoras property always on right angle triangle. In right angle triangle, let's suppose this is the triangle, angle A, B, C. Now look at here, A, B, C, ऐसे भी लिख सकते हैं, A, B, C. Now right angle at angle B,
Therefore, in right angle triangle, at the right angle, the opposite side always we say hypotenuse. This side name is hypotenuse. And this side, it is perpendicular. CB, AB is perpendicular to CB. Therefore, this side is called perpendicular. And in short form, we write P. And this side, we say base. The triangle is stand on CB. Therefore, CB is the base of this triangle. And in short form, we write B. At the right angle, opposite side, the right angle of the opposite side, and this side is the longest side of the triangle, and this side is called hypotenuse. Hypotenuse. Iska naam hota hai? Hypotenuse. Isko hum H se likhte hain. Now, in the right angle triangle, now we write the Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem say in a right angle triangle, right triangle, the square of the hypotenuse equals the sum of the squares of its remaining two sides. That is AC square is equal to AB square plus BC square. And this is the Pythagoras theorem C. Okay? I unmute off. Hello? ये पाइथागोरस अभी हम बताते हैं. पाइथागोरस एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुआ. इस पाइथागोरस थ्योरम का हम बहुत यूज करेंगे हायर क्लासेस में भी. पाइथागोरस ने कहा द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. जो दो बची हुई रिमेनिंग साइड है उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज. दिस इज द थ्योरम. इसके लिए आप एक काम करिएगा. आप लोगों के पास सबके पास क्या बोलते हैं ग्राफ कॉपी तो शायद होगी. ग्राफ कॉपी है? यस सर. तो मेरे पास नहीं है. यस सर. यस सर. यस सर. Please sign. लिख लिया कि नहीं? Yes sir. हो गया ना? Noted. Noted हो गया? Yes sir. अगर हमको AC find करना है, let's suppose you find the AC. तो स्क्वायर को हम हटाएंगे जब तो अदर साइड का स्क्वायर रूट ले लिया जाता है. जानते हो कि नहीं? यस सर. जानते हैं? यस सर. इफ यू रिमूव द स्क्वायर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड
then you take the square root of the other side. My other side is the RHS. Right-hand side. So now we write square root. AB square plus BC square. Okay? So iska hum ye formula ka use karenge. And this is my formula of Pythagoras theorem. यही हमारा फॉर्मूला है. हो गया? Yes, sir. अब घर पे आप एक एक्टिविटी कर सकते हैं. बहुत सिंपल सी एक्टिविटी. कौन सा? आप ग्राफ पेपर लीजिएगा और ग्राफ पेपर yes, एक आप राइट एंगल ट्राइंगल बनाना. कैसे बनाओगे? मान लीजिए आपने ये 4 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 स्क्वायर्स, 4 स्क्वायर लोगे, ठीक है? Yes, sir. 4 स्क्वायर लीजिएगा और इसको लेना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लेना और इसको आप मिला दीजिएगा. तो ये देखोगे ये एंगल तो राइट एंगल आएगा क्योंकि ग्राफ पेपर में ईच एंड एवरी स्क्वायर, ईच एवरी लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर होती है ना ग्राफ में, जानते yes, हो? Yes, sir. अब क्या करोगे? अब यहाँ से स्क्वायर कीजिएगा. यहाँ मान लीजिए आप इसका मेजरमेंट करेंगे तो देखेंगे ये 5 आएगा, 5 सेंटीमीटर. जैसे ही आप मिलाएंगे तो ये 5 सेंटीमीटर आएगी. अब इसका स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर तो ये 5 है. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हुए आप एक स्क्वायर बनाइएगा. दिस इज एंड दिस इज, ये देखिए ये ग्राफ बना. मैं इस साइड को मिटा रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने स्क्वायर बना दिया. ये स्क्वायर हो गया. स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है? ऑल द साइड्स आर इक्वल. सिमिलरली यहां से भी स्क्वायर बनाइएगा. आप 4 ले लेना लेंथ, ठीक है? और आप इसको ये से बनाइए और ठीक इसी तरह यहाँ 3 का लीजिएगा, 3 का ले लीजिएगा. ये देखिए क्या बना रहे हैं, स्क्वायर. देखिए स्क्वायर बना दिया, 3 स्क्वायर बना दिया ना. 4 का स्क्वायर बनाया, 3 का स्क्वायर बनाया. और ये अब इसके स्क्वायर्स को काउंट करिएगा, 1 2 3 और यहाँ 1 2 और ये 1 2. आप इसके स्क्वायर को काउंट करिएगा. यहाँ मैंने ये देखो आप 3 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, 1 1, ये ऐसे आएगा और यहाँ आपका 5 रहेगा. देखिए ये देखिए ये स्क्वायर. अब इस स्क्वायर को काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 25. आप देखेंगे ये 25 आएगा. इक्वल बेस का स्क्वायर को काउंट करिए, तो 3 3 9 प्लस 4 का स्क्वायर को काउंट करिए, 16 और देखोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे. यही पाइथागोरस ने इसको प्रूव किया. फिर तो आपको इतना ही, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर आर इक्वल. दोनों इक्वल आ जाएगा. देखिए सम करेंगे 25 25. आप इसको अगर आप ग्राफ पेपर में करोगे तो आप देखोगे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल आता है दोनों के स्क्वायर के सम पे. आपकी वॉइस इको कर रही है. ओके हेलो हेलो सर, नहीं आ रहा है. हेलो हेलो सर, वॉइस आ रही है? हाँ हेलो, प्लीज साइड खाली है सर. Now comes to the page number 128. It's
देखिए एक फिगर दे रखा है ए स्क्वायर फिगर बनाया है स्क्वायर बना के, तो आप ग्राफ पेपर में जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखेंगे कि काउंट करेंगे स्क्वायर एंड द सॉल्व दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस सो दिस इज पाइथागोरस थ्योरम एंड नाउ वी सॉल्व वी यूज दिस पाइथागोरस ऑन द प्रॉब्लम्स क्वेश्चन इसी पाइथागोरस को हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज करेंगे यस सर एक्सरसाइज तो कैन आई इरेज दिस पार्ट यस सर इरेज अब एक चीज याद रखिएगा नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस ओनली यूज ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस को केवल राइट एंगल ट्राइंगल पे ही यूज करेंगे राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो आप पाइथागोरस यूज नहीं करेंगे एंड द राइट एंगल ट्राइंगल इन ए राइट एंगल ट्राइंगल the opposite side of the right angle always be hypotenuse and the hypotenuse in the right angle triangle the hypotenuse is the longest side of the triangle aap dekhenge ki right angle triangle ke right angle ka jo opposite side hai wo hamesha longest side hogi okay yaad rakhiyega to zara yahan hum ek triangle banate hain आपको हाइपोटेनस बताना है दिस इज माई ट्राइंगल ए बी सी एंड माई एंगल ए इज द राइट एंगल विच साइड इज द हाइपोटेन्यूज कैन यू नेम देम सर ए इसमें हाइपोटेनस जल्दी से बताइए सर ए सी नॉट बी सी ए और सी बी सी बी सी बी सी अपोजिट साइड ये है ये वाली साइड इस एंगल के अपोजिट सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ ये देखिए इसके अपोजिट इस साइड का अपोजिट एंगल पे जाएंगे तो ये 90 डिग्री होगा तो अपोजिट साइड कौन सी होगी बी सी ये एच है अगर इसको आपने परपेंडिकुलर तो अदर टू साइड एक बेस हो जाएगा एक परपेंडिकुलर हो जाएगा याद रहेगा और एक हाइपोटेन्यूज हो जाएगा यस सर नाउ कम्स टू द ट्राइडीज ट्राइडीज पर आते हैं पेज नंबर 129 एंड द ट्राइडीज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस फाइंड द अननोन लेंथ ऑफ द एक्स द फॉलोइंग फिगर दिस इज द माय फिगर दिस एंगल बी ए 90 डिग्री दिस इज द सिंबल ऑफ 90 and this value be x this is 3 unit this is 4 unit so now finding the value of x so by the pythagoras theorem aap pythagoras lagaoge by pythagoras theorem yes by pythagoras theorem na theorem and this is the hypotenuse the square of the hypotenuse is equal to the base square the perpendicular square here the hypotenuse is x so now we write here x square base is my 4 square and perpendicular is 3 square don't talk a square don't talk who is talking नहीं समझ में आएगा बेटे आपको दिक्कत होगी नाउ लुक नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 25 एंड द अंडर रूट ऑफ 25 इट कम्स 5 अंडर रूट 25 का अंडर रूट 5 होता है 5 इंटू 5 इट अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 into 5 and under root में हम pair को लेते हैं x is equal to 5 and that is our answer so simply you find in all three question you have find the hypotenuse देखिए तीनों ही question में आपको hypotenuse find करनी है because all the x is opposite to the right angle this side is opposite to the right angle that means in all the three figures you have find the hypotenuse
therefore these questions you have solved in your homework copy, and this is that is the homework for your tomorrow. Now comes to the next figure, 6.9, next page 130, and we done the part fifth part ko hum done karte hain, fifth part ko hum done karte hain. So now this part fifth, this is the right angle, this side is 37 and this side is 12 and this side is 37. Both the sides are equal, and therefore this is the isosceles triangle, and if you draw the perpendicular to the isosceles triangle is bisect the third side, and this side be x, therefore this side is x by 2 and this side is also x by 2. Isosceles triangle ki ye property hoti hai ki agar uske vertex se agar perpendicular draw karenge to wo third side ko bisect karta hai. So there, this point is the midpoint. I will give the name. Hum name dete hain. Maine isko A, B, C, and this point is my O. I will give the name O. Yeah, humne O de diya. Okay. Now we find this side. BC ko hum find kar dete hain. Aur usko 2 se multiply kar denge. To ye value hamari aa jayegi. Seedhe x ki value nikalenge, x ki value aa jayegi. Now, in right angle triangle by Pythagoras, theorem by Pythagoras theorem, in triangle AOC we have, now this is the hypotenuse. The square of the hypotenuse is equal to base square plus perpendicular square, and my hypotenuse is AC, that AC square is equal to my base is OC square and my perpendicular is OA square. Now AC is my 37 square, OC you have find, that is x by 2 square plus OA is 12 square. Can you know what is the square of 37? Koi bata sakta hai jaldi se? Hello, 37 ka square bataiye, hurry up. The square of 37, jaldi bataiye. Time, how minutes time be left? 13 minutes. How minutes will left? 2 minutes. 2 minutes. 37 into 37. 77 is 49. 49 ka 9. 1369. 1369 is equal to x square by 4. And plus 149. Now we finding x square by 4, and this number by transformation. ये जैसे इस side जाएगा तो subtract हो जाएगा. 1369 minus 144. It is 144 होगा. 149 हो नहीं होगा. Yes, sir. 144. Subtract करिए जल्दी से. It comes 5. It comes 2. It comes 2. And that is x square by 4. इसको cross multiplication कर दीजिए. 225 into 4. अब इसका prime factor निकाल लीजिए. By prime factorization, prime factor आता है निकालने? Yes sir. Prime factor निकालिएगा. अब pair ले लीजिएगा prime factor. 12 to 5 का, 5 से 5 2 जा, 5 2 जा 10. Five four जा 25. AC.
5 into 5 into 7 into 2 into 2. We take the pair. Into 2. The x is equal to 5 into 2 into 7. Yes, sir. That comes 5 into 10, 17. Into 2 into that 2. That is our answer. 70. 70. 70. Yes, sir. Now this is my 30. Figure 6.29 and question number fifth part of this figure. I will we show the value of x. That means this is 70. This is 70. This said BC. X is BC. So BC is equal to 70. That is my answer. BC is 70. Okay. My BC is 70. Yes, sir. Okay. So now the sixth part, fourth, fifth, sixth. You already done tomorrow in your homework copy. Now tomorrow, your homework is complete the try this. Complete the try this in your homework copy. Try this, yes. And the question number four of exercise 6.4, also do it in your homework copy. Okay. And Pythagoras theorem bhi likhenge. Yes, sir. These are the homework. And now tomorrow we start the exercise 6.5. Okay? Koi dikkat? Any doubts? No, sir. Thank you, sir. Ab kal se hum start karenge 6.5. Sir, it was very slowly. Hello? That one at the one at the cut them. Koi sir, me bhi was very slowly. Okay. Thank you, sir. Okay. End the meeting. So can I end this meeting? Thank you, sir. Can I end this yes, meeting? Yes, sir. Yes, sir. Bye, sir. Okay. Yes, sir. Bye, all of you. Bye, sir. Bye, sir. Okay, I end this. Goodbye, sir. Goodbye. Goodbye. Bye, sir.